हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, कभी कभी बाजार में ऐसा होता है जब आप देखते हैं कि आपका फेवरेट स्टॉक करेक्ट हो रहा है, उसके प्राइजेस लगातार गिर रहे हैं, आप उसे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस स्टॉक को खरीद लें और वो यहाँ से नीचे गिर जाए। लेकिन उसके साथ ही आपको मन में एक लालच भी आता है और ये डर भी रहता है कि अगर अभी हमने इस स्टॉक को नहीं खरीदा तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से वो स्टॉक ऊपर चढ़ जाए और हम उसमें एंट्री ना कर पाए। हम में से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस तरीके की सिचुएशन को फेस करते हैं या कभी ना कभी फेस किया होगा। तो आज हम आपसे एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा पैटर्न शेयर करने वाले हैं जो कि आपको ये आइडिया दे सकता है कि स्टॉक का बॉटम अभी बना है या नहीं बना है। और इस पैटर्न को हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के थ्रू ही आइडेंटिफाई करेंगे। ये काफी रिलायबल पैटर्न है और हम आपको प्रिसाइज रूल्स बताएंगे जिसको यूज करके आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस पैटर्न को यूज करके मार्केट में स्टॉक का बॉटम आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों, बॉटम पता करने के और भी कई सारे तरीके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ यही एक तरीका है, लेकिन ये जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं ये काफी आसान है और रिलायबल है। तो इस पैटर्न को यूज करने के 5 स्टेप्स हैं और उस 5 स्टेप्स को हम स्टॉक के मंथली चार्ट पे यूज करेंगे। दोस्तों, आप अगर चाहें तो आप इस पैटर्न को डेली या आवरली या 5 मिनट्स के पैटर्न में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां का सिग्नल शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो आपको वो ट्रेडिंग पर्पस में यूज करना पड़ेगा और साथ में आपको उसका स्टॉप लॉस और उसका टारगेट भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसे मंथली चार्ट पे यूज करते हैं तो हम इसे इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इस पैटर्न के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि स्टॉक में एक प्राइस करेक्शन हो रहा है और प्राइस करेक्शन मिनिमम हमें 30% का देखना है। 30% का करेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हमें इस पैटर्न को यूज करना है। अब 30% ही क्यों? 30% इसलिए क्योंकि किसी भी स्टॉक का जब एक करेक्शन का मेजर साइकिल कंप्लीट होता है तो उसे 30% का फॉल चाहिए होता है। 10% 15% को हम इन अ ट्रू सेंस करेक्शन नहीं बोलेंगे, एक हम उसे डिप बोलेंगे, लेकिन यहां पे हमें एक रीजनेबली गुड करेक्शन लेवल देखना है तो 30% करेक्शन का हमें वेट करना है। सेकेंड स्टेप कि हमें टाइम करेक्शन मिनिमम 9 मंथ्स का देखना है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्तों में स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाता है, लेकिन उसका प्राइस करेक्शन तो हो चुका होता है लेकिन उसका टाइम करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो उसके बाद वो काफी टाइम तक एक रेंज में मूव करता रहता है। तो हमें इस पैटर्न के लिए प्राइस करेक्शन को भी देखना है और टाइम करेक्शन को भी देखना है। तो टाइम करेक्शन 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स हमने क्यों चूज किया है? 9 मंथ्स मतलब 3 क्वार्टर्स होते हैं, तो 3 क्वार्टर का मतलब एक तरीके का कंफर्मेशन हो जाता है कि इसमें एक काफी हद तक सेलिंग हो चुकी है। तीसरा जो रूल है कि जब करेक्शन हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग विथ प्राइजेस फॉलिंग, तो प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमें ये पैटर्न देखना है। चौथा, वॉल्यूम क्लाइमैक्स। दोस्तों, वॉल्यूम क्लाइमैक्स हम उस सिचुएशन को बोलेंगे जहां पे हमें एक बहुत बड़ी रेड बार दिख रही है और उस रेड बार के आसपास हमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, तो हम उसे वॉल्यूम क्लाइमैक्स या सेलिंग क्लाइमैक्स बोलेंगे। जब हम कहते हैं कि वेरी हाई वॉल्यूम तो इसका मतलब होता है एवरेज का कम से कम 1.5 टाइम्स या प्रेफरेबली 2 टाइम्स वॉल्यूम हमें दिखना चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम क्लाइमैक्स होता है ये हमें ये एश्योर करता है कि काफी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हो चुकी है, और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन में काफी बड़े नंबर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को छोड़ चुके होते हैं और उनसे खरीद कौन रहा होता है? उनसे खरीद रहे होते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जो स्मार्ट मनी है वो उस वक्त
खरीद रही होती है और रिटेल इन्वेस्टर्स उसको बेच रहे होते हैं। पांचवा स्टेप जो होता है इस पैटर्न का कि जब वॉल्यूम क्लाइमेक्स बनता है तो उसके बाद हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए, और जब वो स्टॉक ऊपर जाता है क्लाइमेक्स के बाद उस वक्त वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ होने चाहिए। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझाएं कि बेसिकली हम क्या पैटर्न देख रहे हैं, तो हमें जो प्राइस का पैटर्न वी शेप का दिखना चाहिए, यहां पे हमारा फॉल, यहां पे हमारा वॉल्यूम क्लाइमेक्स, और यहां पे हमारा राइज। और वही अगर हम वॉल्यूम के पैटर्न की बात करें तो वॉल्यूम का पैटर्न हमारा ऐसा होना चाहिए, ए शेप, यानी कि वॉल्यूम ऊपर जाता है और क्लाइमेक्स के बाद वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ऊपर में वी, नीचे ए, इस तरीके से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। बेसिकली इस पैटर्न का लॉजिक ये होता है कि जब तक बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग नहीं होगी तब तक स्टॉक का बॉटम नहीं बनेगा, और बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग तभी होती है जब एक ग्रुप का इन्वेस्टर उस स्टॉक से पक चुका होता है, थक चुका होता है, और वही एक दूसरे ग्रुप का इन्वेस्टर जो कि मोस्टली इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स होते हैं उनको लगता है कहीं ना कहीं कि अब स्टॉक में वैल्यू आ गई है तो वो खरीदने को तैयार रहते हैं। आइए अब इसको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम अदानी पोर्ट्स का देख रहे हैं। 2015 जुलाई से ये स्टॉक गिरना शुरू होता है, 2016 मई में इसका वॉल्यूम क्लाइमेक्स होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्राइस थोड़ा ऊपर जाना शुरू होता है विथ फॉल इन वॉल्यूम, और दो या तीन मंथ्स के राइज के बाद हमें अपना सिग्नल मिल जाता है कि अब हमें इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। तो अगस्त 2016 में अराउंड ₹250 हमारा बाय सिग्नल यहां पे बनता है और हमारा बॉटम बनने का कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। अब हम आपको इसी पैटर्न का एक छोटा सा वेरिएशन दिखा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा बॉटम बनता है तो उसके कुछ महीनों के बाद एक और दूसरा बॉटम बनता है जो उससे थोड़ा नीचे होता है। तो यहां पे हमारा वॉल्यूम क्लाइमेक्स बना, इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद थोड़ा सा और गिर के वहां पर एक बॉटम बनाता है। तो ये जब बॉटम बनता है तो हम इसे सेफ मानेंगे, और इसकी पहचान क्या होती है कि जो सेकेंड बॉटम है इसका वॉल्यूम काफी लो होता है कंपेयर टू दिस बॉटम। तो अगर सेकेंड बॉटम का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब ये साइन ऑफ डेंजर है, अभी फिलहाल इसका बॉटम नहीं बना है। तो स्क्रीन पर हम आपको ऐसा ही एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये मनप्पुरम का चार्ट है। आप देख सकते हैं 2012 फरवरी के आसपास वॉल्यूम क्लाइमेक्स होता है और एक बॉटम बनता है, उसके बाद एक राइज होता है विद अ फॉल इन वॉल्यूम। तो एक तरीके से हमारा ये बाय का सिग्नल बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सेकेंड बॉटम बनता है और सेकेंड बॉटम में वॉल्यूम काफी लो रहता है पिछले लो के कंपैरिजन में। तो ये जो सेकेंड लो बनता है ये फर्स्ट लो का एक तरीके से कंफर्मेशन सर्व करता है। अगर सेकेंड लो पे भी काफी ज्यादा वॉल्यूम होता तो ये एक खतरे का संकेत होता। अब आइए हम एक रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों ये कैडिला हेल्थ केयर का चार्ट है। अगर आपने नोटिस किया तो ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड है जो हमने कुछ महीने पहले पब्लिश किया था। अगर आप कैडिला का पैटर्न देखें तो उसी तरीके का पैटर्न यहां पे हमें दिख रहा है। 2019 में एक वॉल्यूम क्लाइमेक्स होता है, वहां से एक स्टॉक में रिकवरी होती है विद अ फॉल इन वॉल्यूम, और करीब नवंबर 2019 में हमारे पैटर्न के हिसाब से हमें बाय का सिग्नल मिलता है और हम इसे अराउंड ₹240 में बाय कर सकते थे, और इस वक्त का जो प्राइस है वो करीब करीब 375 है। अब हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं जहां पे प्राइस तो एक बॉटम पैटर्न बनाता है और वो दिखता भी बॉटम फॉर्मेशन जैसा है पर वो हमारे पैटर्न से मैच नहीं खाता है। दोस्तों ये चार्ट हम आपको टाटा मोटर्स का दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें सितंबर 2015 और जनवरी 2016 में दो बॉटम आउट पैटर्न बनाया। अगर आप वॉल्यूम को देखें तो यहां पे वॉल्यूम क्लाइमेक्स का पैटर्न हमें नहीं दिखता है तो ये हमारे पैटर्न से मैच नहीं खाता है। अब आप अगर गौर से देखें तो इस फॉर्मेशन के बाद वहां से एक रैली होती है बट वो एक फॉल्स रैली थी और वहां से स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा करेक्ट हुआ। अब आप अगर इस चार्ट के आखिरी
बार्स को देखें तो वहां पर एक बॉटमिंग आउट पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। हालांकि बॉटम का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे वाला पैटर्न अभी तक वहां पे फॉर्म नहीं हुआ है। तो आप इस स्टॉक पे नजर बनाए रखें, हो सकता है अगले कुछ महीनों में हमारा वाला पैटर्न वहां पे आपको दिख जाए। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज आपसे और शेयर करता हूँ कि बॉटम पता करने के बहुत सारे और भी तरीके होते हैं और उनके पीछे अलग अलग लॉजिक होते हैं। ये पैटर्न इसलिए स्पेशल है क्योंकि एक तो ये बहुत सिंपल है और ये काफी रिलायबल भी है। तो अगर आप इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताएं। तो दोस्तों हमें बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हम इस तरीके के और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप हमसे यूट्यूब कमेंट बॉक्स के थ्रू जुड़ सकते हैं या आप हमें care@bulltrack.in पे भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।